नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे बजट की जो आज पेश हुआ, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी एक बार फिर यानी तीसरी बार भारत की सत्ता पर काबिज हो गए थे, लेकिन ये सरकार पिछली दो सरकार यानी 2014 और 2019 वाली सरकार से थोड़ी अलग है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर 3.0 मोदी सरकार ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है, जिसमें आंध्र की टीडीपी और बिहार की जेडीयू के सांसदों की भूमिका अहम है। जून महीने में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक विपक्षी दलों द्वारा नई सरकार पर ये कहते हुए प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था कि वर्तमान सरकार की अवधि बहुत छोटी है, यानी ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि सहयोगी दल जल्द ही साथ छोड़ देंगे। ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट सत्र के दौरान पेश बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके लिए आंध्र प्रदेश को अलग से 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। वैसे बजट के ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों पर थी, जिसमें बिहार की तरफ से एनडीए के सहयोगी दल यानी नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये मांग साफ शब्दों में की गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार की तरफ से उठी इस मांग को नकार दिया, जिसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी यानी लालू यादव की तरफ से ये मांग की गई कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सत्ता की खातिर बिहार के साथ समझौता कर लिया। वैसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग आंध्र प्रदेश की तरफ से भी लगातार उठती रही है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों को ये दर्जा फिलहाल हासिल नहीं हुआ। पर इस बीच दोनों राज्यों को विशेष पैकेज मिलने के बाद शायद राजनीतिक गलियारों में मोदी 3.0 सरकार के कार्यकाल पर उठने वाले सवालों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, पर केंद्र सरकार की तरफ से वित्त बजट 2024-25 में विशेष पैकेज जरूर मिल गया है।